हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभम। सर, आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये योगी प्रो का 4.5 इंची वर्सकल में। अब दोस्तों यहां पे 451 मॉडल होने वाला है जो कि यहाँ पे मार्केट में धमाल मचा रहा है। 451 को मैम यहाँ पे डाल के देखेंगे एक हॉरन लोडेड कैबिनेट में, यानी सिंगल सिंगल में डाल के देखेंगे। और उसके साथ में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे ATI प्रो का लाइनर है। योगी प्रो ATI प्रो दोनों आज एक साथ में होने वाले हैं टेस्टिंग में, कैसी क्वालिटी निकालते हैं दोनों को एक बार ही देखेंगे। बाकी दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ किसकी अनबॉक्सिंग, बाकी डिटेल्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे पैकिंग देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे ये एक पॉली बैग है, एक यहाँ पे स्ट्रिप्स लगा रखी हैं और एक ये ऊपर की कार्डबोर्ड की पैकिंग है। तो मैं काम करता हूँ, ये वाली जो पॉली बैग है इसको निकालता हूँ और यहाँ पे हमारे जो कि बॉक्स है ऊपर वाला उसको निकाल के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमारे दूसरे बॉक्स। तो दोस्तों ये है हमारे स्पीकर का मेन बॉक्स। मेन बॉक्स पे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे हाईलाइट करके मेंशन करा गया है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं YJ18X451 या 451। बाकी यहाँ पे ये हीट सिंक वर्जन 3 है, यहाँ पे इनके हाईलाइट्स पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आप इनका योगी प्रो का जो है वो आप देख सकते हैं बारकोड लगा हुआ है और भी सारी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे करूँ तो सारी चीज़ें सेम एग्जैक्टली वही है। चलिए यहाँ से मैं इसको फटाफट से जो है वो अनटेप कर देता हूँ। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे ओपन होगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और पास ला देता हूँ, आपको जो कि थर्माकोल की पैकिंग है वो अगेन हर एक मॉडल में आप लेंगे, चाहे वो 300 वाट का हो, 400 वाट का हो, कोई सा भी हो, छोटा से छोटा स्पीकर क्यों ना हो, योगी प्रो का आपको पैकिंग में ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर कार्डबोर्ड होता है, एक आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वेलकम कार्ड जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो इस टाइप का आपको हर एक स्पीकर में वेलकम कार्ड जरूर मिलेगा। इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो कि हमारा मेन यूनिट है वो है दोस्तों यहाँ पे ये स्पीकर। स्पीकर के साइड में भी आप देख सकते हैं जो कि चारों तरफ आपको थर्मोकोल देखने को मिलता है। चलिए अभी जो कि हमारा स्पीकर है मैं उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे स्पीकर का पेपर कोन की क्वालिटी। बेसिकली दोस्तों जो कि इसके अंदर कोन यूज करेगा वो है यहाँ पे मलेशियन कोन। अब दोस्तों यहाँ पे ये मलेशियन कोन का फायदा क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये कोन जो है वो मॉइस्चर प्रूफ रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस पर एक शाइन सी जो है वो कोटिंग करी गई है, यानी जितना भी मॉइस्चर रहता है या फिर आप रेनी सीजन पे चला रहे हैं या फिर मॉइस्चर वाली जगह पे चला रहे हैं तो यहाँ पे पेपर कोन भीग के यहाँ पे फटेगा नहीं। दूसरी दोस्तों चीज़ इसके अंदर जो होती है वो यहाँ पे अगर आप इसका जो कि गैसकेट होता है यहाँ पे ये जो बना रखा है यहाँ पे दोस्तों ये कभी नहीं छोड़ेगा अपनी जगह, यानी कभी भी आप देखेंगे किसी ना किसी स्पीकर में पेपर कोन का ही पूरा यहाँ से बाहर आ जाता है अपने गैसकेट को छोड़ते हुए, तो ऐसा आपको ये इसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये रहती है कि इसके अंदर जो कि क्वालिटी होती है मिडास होती है, यानी अगर आप नॉर्मल पेपर कोन ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं तो आपको एक जो है वो क्वालिटी ऊपर मिलेगी। दोस्तों ये है इसका कोन की क्वालिटी। चलिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइडर की भी क्वालिटी। तो दोस्तों भैया यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे स्पीकर की स्पाइडर की क्वालिटी है। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो कि स्पाइडर है वो यहाँ पे सिलिकॉन स्पाइडर है। कलर भी आप देख सकते हैं जो कि चेंज है यहाँ पे वो है यहाँ पे रेड कलर का। अभी यहाँ पे आपको जो कि ये व्हाइट व्हाइट से क्रिस्टल टाइप का दिख रहा है, बेसिकली यही यहाँ पे सिलिकॉन होता है। अभी यहाँ पे जो कि आपको सिलिकॉन होता है वो दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा रिलायबल होता है एक नॉर्मल स्पाइडर से। अगेन आप इसको स्ट्रेचेबल करेंगे एक नॉर्मल स्पाइडर के साथ में सेम साइज के, तो ये यहाँ पे आपको डबल पावर यानी इसका जो कि क्षमता होगी वो डबल हो जाएगी, प्लस जो कि इसका लाइफ रहता है। अभी क्या होता है कि कई कई स्पाइडर में आप देखेंगे कभी वो फट रहा है या फिर वहां से वो चटक जाता है, काफी पुराने होते हैं तो चटक जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्पंची बहुत होता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्पंची बहुत होता है। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पीकर को अप एंड डाउन करके भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये है स्पाइडर की क्वालिटी। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। और दोस्तों भी आप यहाँ पे जो कि देख पा रहे हैं ये होल्स, ये वेंटिलेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये साइड में जो वेंटिलेशन है बेसिकली ये है साइड वेंटिलेशन सिस्टम। अब बेसिकली इनका जो है वो क्या काम रहता है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डायरेक्ट जो कि होल है वो सीधे के साथ मिलते हैं यहाँ पे हमारे वॉइस कॉल की तरफ, यानी वॉइस कॉल वाइंडिंग पे। अब जैसे कि जैसे स्पीकर अप एंड डाउन जाते हैं, कोन मूवमेंट लेता है, अप एंड डाउन करता है, तो वहां पे होता क्या है दोस्तों ये जो वेंटिलेशन होते हैं वो एयर को भी अप एंड बाहर यानी अंदर बाहर करते हैं। अब बाहर जो है वो वहां से ठंडी हवा आती है और अंदर से जो है वो गर्म हवा को पास कर देता है। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को पता है कि अगर वॉइस कॉल हीट हो रहा है अगर वो थोड़ा सा उसमें कूलिंग मिल रहा है, अब कूलिंग मिल रहा है तो यहाँ पे वॉइस कॉल
कि जो हीटिंग प्रॉब्लम यानी हीटिंग जो है वो यहाँ पे कम होगा, और हीटिंग कम होगा तो यहाँ पे आपका जो कि स्पीकर है वो भी यहाँ पे सेफ रहेगा। तो ओवरऑल ये है साइड वेंटिलेशन सिस्टम। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पीकर का जो कि फ्रेम डिजाइन है वो किस टाइप का है। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे योगी प्रो के जितने भी तक मेरे को 18 इंच के स्पीकर देखने मिलते हैं अगेन वो इसी टाइप के फ्रेम डिजाइन में आते हैं। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि CNC का काम करा गया है, और ये डायमंड कट कहते हैं इसे बेसिकली। और बाकी जो कि फ्रेम है वो दोस्तों यहाँ पे डाई कास्ट एल्युमिनियम से ही बनाया गया है। ये इसके टर्मिनल सॉकेट्स जो जाते हैं, बाकी इनके टर्मिनल सॉकेट्स की क्वालिटी मुझे अगेन अच्छी लग रही है। बाकी मैग्नेट है दोस्तों, और ओवरऑल ये है इसकी थिकनेस पूरे किट की, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा मेन चैसी यानी स्पीकर का चैसी। तो ओवरऑल ये है दोस्तों फ्रेम डिजाइन प्लस चैसी। और चलते हैं दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसका हीट सिंक वर्जन 3 है वो कहाँ लगा है, कैसे काम करता है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हीट सिंक वर्जन 3। आप देख सकते हैं बेसिकली ये आपको सिल्वर से दिख रहा होगा, ये बेसिकली एल्युमिनियम है। अब आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम जो है वो एक अच्छा स्रोत होता है यहाँ पे हीटिंग को यहाँ पे अब्सॉर्ब करने का, और उसको जल्दी से जल्दी ठंडी भी करने का। तो दोस्तों यहाँ पे ये साइड में वॉइस कॉल होता है। अब यहाँ पे हीट सिंक को बीच में दिया गया है, तो क्या होगा दोस्तों अगर वॉइस कॉल हीट भी होता है तो यहाँ पे ये जो हीट सिंक है ये एल्युमिनियम की यहाँ पे इसको थोड़ा सा कूलिंग रखने में मदद करेगी। प्लस ये आप जो होल देख पा रहे हैं ना ये भी वेंटिलेशन ही दिए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो कि डिटेल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको योगी प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। YJ18X451 1500 वाट स्पीकर यहाँ पे मेंशन करा गया है। यहाँ के अगर मैं बात करूँ 8 ओम्स और 4.5 इंची इन आउट की वॉइस कॉल है, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ओवरऑल ये है दोस्तों इसका पूरा का पूरा बैक लुक, और यहाँ पे इस टाइप से दिखता है, ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक है ये। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आपको यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे स्पीकर का पेपर कॉन, यहाँ पे चैसी, बाकी आपने जो लुक है वो यहाँ पे आप देख चुके हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि आपको पैकिंग देखने को मिला, ये सारे के सारे आपको एक्जैक्टली यही मॉडल में देखने मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पावर रेटिंग। तो दोस्तों ये 1500 वाट स्पीकर आता है, यानी 1500 वाट इसकी RMS पावर है। यही अगर मैं इसकी वॉइस कॉल साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4.5 इंची इन आउट वाली जो है वॉइस कॉल देखने को मिलती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जो कि इसका पेपर कोन है वो यहाँ पे मलेशियन पेपर कोन को ही यूज़ करा गया है। प्लस जैसे कि पीछे आप देख पा रहे हैं ये हीट सिंक वर्जन 3 है, यानी जितने भी हीट सिंक आपने मार्केट में देखे हैं या फिर आपको किसी भी ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं उनसे ये सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो हीट सिंक को यहाँ पे यूज़ करा गया है। अगेन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सिलिकॉन स्पाइडर का ही यूज़ करा गया है, जो कि यहाँ पे उसको रिंग के साथ में ही टाइट करके दिया गया है। अगेन अगर फ्यूचर में ग्लू भी लूज होता है या फिर बाय चांस अगर स्पाइडर यहाँ पे छूटता है तो वो रिंग जो है वो वहाँ पे उसको पकड़ बना के रखेगी। अभी दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टिंग की। तो दोस्तों टेस्टिंग पे मैं यहाँ पे दो सिंगल बेस के दो कैबिनेट्स के अंदर सिंगल सिंगल 18 मैं इसको डालने वाला हूँ, और उसके साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ATI Pro का वेव गार्ड टेक्नोलॉजी वाला, ये न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें वेव गार्ड टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है वो लाइनरे में इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। अब आप दोनों की जो कि क्वालिटी है वो आप दोनों सॉन्ग को मिक्स करके देख सकते हैं, यानी क्या क्वालिटी आ रही है लाइनरे की जो कि आपको ATI Pro मिलेगा, बेस की जो कि आपको यहाँ पे योगी प्रो मिलेगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो कि हिंदी टेस्टिंग है वो मैं यहाँ पे एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, तो आप हिंदी सॉन्ग की भी जो है वो टेस्टिंग इंस्टाग्राम पे भी जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमने स्पीकर जो है वो फिट कैसे करा हुआ है और कौन सी कैबिनेट में है। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये है हमारे पास LD18 कैबिनेट है, बेसिकली हमारा स्पीकर यहाँ पे अभी निकला हुआ है, और ये टेस्टिंग भी आप सभी को पता है कि काफ़ी पहले होती है और काफ़ी सारे मॉडल्स हमारे योगी प्रो के रखे हुए हैं। फिलहाल में ये हमने यहाँ पे स्पीकर्स को फिट करा हुआ है, प्लस माइनस कनेक्शंस देख चुके हैं पूरा करेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे बस जो कि हमारा काम रहेगा वो ये ऊपर का इसका ढक्कन यहाँ पे फिट करना रहेगा। बाकी अब यहाँ पे इसका देख लीजिए ये जो कि हमारा स्पीकर है, ठीक है ना, एक ये हो गया, ये वाला हम ऑलरेडी यहाँ पे फिट कर चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे फिट है, ठीक है ना गाइस। चलिए जो कि अभी हमारा ये वाली बेस है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका कैसा रिस्पांस रहने वाला है टेस्टिंग पे, क्या क्वालिटी आने वाली है वो हम देखते हैं। एक बार ढक्कन इस पे रख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसको भी फिट फटाफट मैं आपके सामने ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ रखा मैंने, और यहाँ से भी हम लगा लेते हैं बोल्ट्स के सारे, और एम्पलीफायर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हैवी दे रहा हूँ उसको ताकि इसका प्रेशर जो है वो अच्छा बने। बाकी आप सभी को पता है कि इस कैबिनेट में प्रेशर काफ़ी अच्छा बनता है। चलिए स्पीकर का क्वालिटी, स्पीकर का परफॉर्मेंस वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्पीकर चेक। स्पीकर चेक। स्पीकर चेक।
कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आएगी। दोस्तों कैसे करा इसने परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे आपने देखी कि मैंने यहाँ पे सिंगल बेस में उसको यूज करा था। अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने उस बेस के साथ में एक पिछले वीडियो में भी एक स्पीकर को मैंने दिखाया, अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपको चार टॉप दो सिंगल बेस वाले में दिख जाएगा। उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं था जो कि इसमें वो परफॉर्मेंस आ रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी यहाँ पे कंपैरिजन करा है, और भी स्पीकर 4.5 इंची जो कि वॉइस कॉल के साथ में था, मजा नहीं आया, इसमें ही आया। हम ये कहते हैं कि इससे और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, और भी काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये स्पीकर बेस्ट लगा, बिकॉज यहाँ पे वो स्पीकर की कॉस्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। और यहाँ पे ये स्पीकर की कॉस्ट को अगर आप यहाँ पे मालूम करेंगे अपने नियरेस्ट डीलर से या फिर कहीं से, तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। बाकी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ से परचेज करें और कैसे अवेलेबल होगा। दोस्तों ये शो होगा आपको योगी प्रो का कस्टमर केयर नंबर, आप यहाँ से जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको आपके नियरेस्ट डीलर का डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस दिया जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल भी मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल दोस्तों ये स्पीकर आपको कैसा लगा और परफॉर्मेंस कैसा करा इसने, टेस्टिंग कैसी लगी, वो लैंडर की क्वालिटी कैसी लगी जो कि वेव गाइड टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, ओवरऑल जरूर नीचे कमेंट बता के जाना। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।